तो गाइस यार मुझे पता चला है लॉस सैंटोस में खुला एक नया शोरूम और उस शोरूम पर अब पहुंचने वाले गाइस यार मुझे पता चला है इनके पास बहुत सारी खतरनाक सुपर कार्स है। तो हम देखने यहां पर आ चुके हैं इनके पास कौन कौन सी कार्स है और मुझे पता चला था इनके पास एक बहुत ही रेयर कार भी है। चलो पता करते हैं कौन सी कार है वो। हाय सर, आपका हमारे शोरूम में स्वागत है। बताइए कौन सी गाड़ी दिखाऊं आपको। मुझे जानना है उस रेयर कार के पास जो सिर्फ आपके पास है। सिर्फ आपके सामने ही है वो खतरनाक सी $100 मिलियन की कार। क्या ये गाड़ी $100 मिलियन की है? हाँ सर, ये गाड़ी $100 मिलियन की है क्योंकि ये हमें फ्यूचर में लेके जा सकती है। क्या गाड़ी फ्यूचर में लेके जा सकती है? ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और एक गाइस आप देख सकते हो इसका नाम है आउटर टाइम, मतलब ये टाइम ट्रेवल कर सकती है। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर देखो भाई क्या क्या चीजें लगी हुई है। सर ये गाड़ी पूरी गोल्ड की बनी हुई है। इसकी जो सारी मशीन है वो टाइटेनियम की है और ये गाड़ी टाइम ट्रेवल करती है। और एक गाइस ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे ये गाड़ी खरीदनी हो तो आप कितने में दोगे? सर सिर्फ आपके लिए, किसी को बताना मत, $100 मिलियन ओनली। क्या $100 मिलियन? और वैसे कितने की है? $100 मिलियन। अरे तो मेरे लिए सस्ता क्या करा? सर इसके साथ हम आपको गाड़ी का कवर भी देंगे ऊपर से लगाने के लिए। क्या एक तो $100 मिलियन तो ऊपर से ये कवर देंगे सिर्फ मेरे को? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, मुझे कोई दूसरी गाड़ी देखनी पड़ेगी। तो क्या सर आप देख सकते हो इनके पास ये एस्टन मार्टिन भी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। और ये बेंटली भी है, ये भी मस्त लग रही है। और ये बुगाटी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये बेंटली कितने की है? सर $83 मिलियन। क्या $83 मिलियन? अरे कोई सस्ती गाड़ी नहीं है क्या? सर आपका बजट कितना है? मेरा बजट है पूरे ₹15,000। बाहर निकल यहाँ से गरीब। अरे क्या कर रहे हो, निकल जाए यहाँ से। 15,000 में तो यहाँ पे गाड़ी का टायर भी नहीं आता। निकल जाए से, चल निकल। अरे अपने कस्टमर को ऐसे धक्का देने शर्म नहीं आती? निकल जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगा। अरे हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी इतनी गंदी गाड़ी मुझे चाहिए भी नहीं। ये तेरी खटारी सी बाइक पे घूमा हमेशा जिंदगी भर? हाँ मेरी बाइक पे घूमूंगा। तो क्या सर अभी उस ओनर ने मुझे उसके शोरूम से बाहर निकाल दिया। उनके पास कितनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ी है। इतनी महंगी गाड़ी तो मैंने आज तक सपने में भी नहीं देखी। ये तो रियल लाइफ में बेच रहे हैं। और ये मेरी बाइक को गरीबों वाली बाइक बोल रहा, कितनी ज्यादा अच्छी बाइक है। देखो तो सर ये कितनी ज्यादा मस्त इसका कलर है। इसका पेंट अभी तक नहीं उतरा, ये मेरे पास 50 सालों से है। पर गाइस जो भी बोलो इसके पास जो भी गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा महंगी भी है। इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और वो जो $100 मिलियन वाली कार थी वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मुझे ये सारी की सारी गाड़ियां चाहिए, पर कैसे? मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है मैं गाड़ियां खरीद सकूं, पर मेरे पास दिमाग है। मैं अपने दिमाग से इन सारी गाड़ियों को चोरी जरूर कर सकता हूं। तो गाइस सर आज का हमारा टारगेट है इस शोरूम की सारी गाड़ियों को चुराना। यहां से चुपचाप से देख लेते हैं इनके पास कितनी गाड़ी है। एक बुगाटी, एक बेंटली, एक एस्टन मार्टिन, पीछे एक और गाड़ी, 4, 5, 6, 7, इनके पास 7 गाड़ियां है और उसमें वो खतरनाक सी $100 मिलियन वाली भी है। तो मैंने सोच लिया ये 7 की 7 गाड़ियां आज मैं चुरा के रहूंगा। पर इन 7 गाड़ियों को चुराने के लिए मुझे खतरनाक सा प्लान बनाना पड़ेगा। तो गाइस सर क्या प्लान के लिए तैयार हो? तो ये देखो ये हमारा मस्त सा प्लान। मैं बन चुका हूँ एक लड़की, मतलब यार मैंने एक विग पहन ली और लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए। और गाइस सर मैंने यहाँ पे इस बच्चे को बोला अगर ये मेरा साथ देगा तो मैं इसको ट्रॉफी दिलाऊंगा। बच्चे तैयार है ना? फ्रैंकलिन भैया मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया नहीं, मैं तेरी मम्मी हूँ। मम्मी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो चलते। तो गाइस सर ये बच्चा बिल्कुल तैयार है, मैं भी बिल्कुल तैयार। तो आप भी फटाफट से तैयार हो जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी हम जाने वाले शोरूम के अंदर एक मम्मी बेटा बन के और वहाँ पे हम चोरी करेंगे। मम्मी मम्मी मुझे टॉफी चाहिए। अरे बच्चे भी रुक तो जा, शोरूम में तो घुसते तो पहले से नाटक शुरू मत कर। चलो गाइस सर अभी हम शोरूम में आ चुके, फटाफट से यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। आइए मैम आइए, बताइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। हेलो मेरा नाम है सुष्मिता और मुझे एक अच्छी सी मस्त गाड़ी चाहिए। मैम हमारे पास हर तरह की गाड़ी है, बताइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। ओके चलो मैं देख लेती हूँ। बच्चे तेरा नाम क्या है? अरे अंकल अपना काम करो ना। तो गाइस सर यहाँ पे देख रहे थे हम सबसे पहली गाड़ी कौन सी चुराने वाले। जब तक वो मेरे बच्चे से बात करता है मैं देख रहा था कौन सी गाड़ी चुराए। और एक गाइस सर यहाँ पे तो एक खतरनाक सी मैक्लेरन है, वो भी एक पुलिस एडिशन वाली। तो गाइस सर मैंने सोच लिया सबसे पहली गाड़ी मैं यही चुराने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी ये गाड़ी कौन सी है? मैडम ये है पगानी पुलिस एडिशन, दुनिया में सिर्फ ऐसी एक ही गाड़ी है। कितने की है ये? मैडम ओनली $35 मिलियन। अच्छा अच्छा $35 मिलियन। हंसी का मतलब मुझे अपना नाटक शुरू करना है। मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, मम्मी मुझे टॉफी चाहिए।
अरे बच्चे टॉफी बाद में ले लेना, अभी गाड़ी लेते हैं। नहीं 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 मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी दो। अरे बच्चे मुझे क्यों गिरा रहे हैं? अंकल मुझे टॉफी चाहिए, अंकल मुझे टॉफी दो। अरे बच्चे पागल हो गया, अरे मैडम अपने बच्चे को संभालो। अरे भैया मैं कैसे संभालूं, मुझसे भी संभलता नहीं है, आप भी संभालो ना। चल बच्चे मैं तुझे टॉफी दे देता हूँ जब तक तेरी मम्मी कार फाइनल करती है। अंकल अंकल मुझे ये वाले चिप्स चाहिए, ये वाले टॉफी, ये चॉकलेट और ये कोल्ड ड्रिंक। हाँ बच्चे जो चाहिए ले ले, रुक जा ये निकाल के देता हूँ। तो कैसे मेरा बच्चा बिल्कुल ढंग से काम कर रहा है, चलो फुड़ाओ फुड़ इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ये खतरनाक सी पुलिस वाली पगानी। और कैसे इसमें तो सायरन चालू हो गया, निकलो यहाँ से। और एक कैसे ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, अबे कहाँ जा रही है? अरे बच्चा बच्चा, अरे अरे भाई यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और एक कैसे इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, और इसका इंटीरियर भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है। और गाइसर हमने ये खतरनाक सी पगानी चुरा ली। अरे बच्चे ले ली ना टॉफी, चल चलते हैं। एक सेकंड, तेरी मम्मी का चली गई, मेरी गाड़ी का चली गई। अंकल मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चे ने काट लिया, काट लिया। ए, भागो यहाँ से। ए, बच्चे रुक जा बच्चे। अंकल आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, बाय बाय। तो गाइसर हमने अपनी सबसे पहली गाड़ी यहाँ पर ला चुके, और सबसे पहली गाड़ी स्टोर हो चुकी है जो की पगानी, वो भी पुलिस एडिशन। तो गाइसर सबसे पहली गाड़ी तो हमने बहुत ही ज्यादा इजी चुरा ली, और उसको शक भी नहीं होगा कि यार फ्रैंकलिन ने इस गाड़ी को चुराया है। तो अब चलते हैं अपनी अगली गाड़ी चुराते हैं। अब मेरे यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर पाएगा, मैंने लॉस सैंटोस की सारी पुलिस को अपने शोरूम पर लगा दिया है, यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकता। पुलिस वालों अगर यहाँ पर चोरी हुई तो सबकी टुई पे डंडे पड़ेंगे। तो गाइस हमारे शोरूम के ओनर ने बहुत सारी पुलिस यहाँ पर बुला ली है, वो सोच रहा है कि मैं उसकी अब एक भी गाड़ी नहीं चुरा पाऊंगा। पर मैं गया स्पाइडरमैन के पास और उसको बोला, स्पाइडरमैन तेरी शक्तियाँ मुझे दे दे, और उसने डर के मुझे अपनी शक्तियाँ दे दी। स्पाइडरमैन मुझे अपनी शक्ति दे दे, स्पाइडरमैन प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं स्पाइडरमैन प्लीज प्लीज प्लीज। अरे फ्रैंकलिन मैं तुम्हें शक्ति नहीं दूंगा। स्पाइडरमैन दे दे यार मेरे को, दे दे प्लीज, दे दे प्लीज, मैं तेरे पैर मरता हूँ स्पाइडरमैन प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखो यार स्पाइडरमैन मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने मेरे से ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं और सीधा मुझे अपनी शक्तियाँ दे दी। अब मैं शोरूम के अंदर घुसने वाला हूँ, तो काइजर दिखा दो मैं स्पाइडरमैन की शक्तियाँ। ये तो काइजर अभी आप देख सकते हो मेरी शक्तियाँ कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, मैं कैसे बड़े बड़े जंप कर पा रहा हूँ। और कैसे वैसे तो मैं सारे पुलिस वालों को ही मार सकता हूँ क्योंकि मैं एक खतरनाक सा स्पाइडरमैन हूँ, पर मैं इन पुलिस वालों को नहीं मारने वाला क्योंकि उससे भी अच्छा आइडिया मेरे पास। तो कैसे मुझे पता चला था कि इस शोरूम में पीछे एक खड्डा भी है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक खड्डा है, यहाँ पे इधर से मैं अंदर घुसने वाला हूँ। चलो फटाफट जैसे अंदर चलते, 1 2 3। अरे ज्यादा बड़ा जंप कर लिया, छोटा सा जंप करना पड़ेगा, 1 2 3। चलो अंदर, 1 2 3। तो गाइसर अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और इनमें से मुझे कोई भी नहीं देख रहा। रुको मेरे पास एक आइडिया है। तो गाइसर अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन छोड़ने वाला जो कि इन पुलिस वालों को परेशान करेंगे जब तक मैं इनकी सबकी गाड़ियाँ चुरा लूंगा। कौन सी गाड़ी चुराऊं, कौन सी गाड़ी चुराऊं, एक काम करते हैं ये खतरनाक सी बुगाटी चुराते हैं। तो गाइसर अभी हम इस बुगाटी के अंदर बैठ चुके हैं और ये सारे ड्रोन मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो गाइसर हमने चुरा ली एक खतरनाक सी बुगाटी स्पाइडरमैन की मदद से। तो गाइसर अभी मेरे पास स्पाइडरमैन की ताकत आ चुकी है, तो मुझे लोगों की भी मदद करनी पड़ेगी। मैंने बुगाटी तो चुरा ली, मेरा काम तो हो गया, अब थोड़ा लोगों का भी काम कर दिया जाए, उनकी मदद करी जाए। तो मुझे पता चला यहाँ पे खतरनाक सी रॉबरी चल रही है, इसलिए मैं इस खतरनाक सी रॉबरी को रोकने आ चुका हूँ। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो इनके पास तो गन बन भी है, अबे हटो यहाँ से। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा मार रहे हैं, इनको फटाफट से मारते हैं हम, कितने ज्यादा खतरनाक है। मेरे स्पाई ड्रोन जल्दी जल्दी बाहर आओ और इन्हें सबको बता दो। तो गाइसर अभी हम वापस से शोरूम पे आ चुके और मैं देख रहा हूँ कि इस बार उस शोरूम के ओनर का क्या प्लान है। एक सेकंड, यहाँ पे तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, वो पुलिस वाले कहाँ चले गए, ये क्या चल रहा है? रुको थोड़ा पास जाके देखते हैं। तो गाइसर मैंने सोचा था उसने इस बार और भी कुछ खतरनाक प्लान बनाया होगा, मिलिट्री वालों को बुलाया होगा, पता नहीं किस किस को बुलाया होगा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या यहाँ पर कोई है, यहाँ पर तो सही में कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं तो आराम से कोई भी गाड़ी चुरा सकता हूँ। और गाइसर ये गाड़ी
मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। और आप देख सकते हो इसके टायर भी थोड़े टेढ़े से टायर हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी अजीब है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको चुरा लूंगा। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी को चुराते हैं। इसका गेट भी बहुत ही ज्यादा मस्त खुलता है और नीचे इसकी लाइटें भी कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलो फटाफट इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं। इस शोरूम में तो कोई भी नहीं है, मैं आराम से जितनी चाहे गाड़ियां चुरा सकता हूँ। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकल। अरे ये क्या है? मुझे पता था तुम ही हो सकते हो चोर जो मेरी सारी की सारी गाड़ियां चुरा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं चुरा रहा था। मुझे पता चल चुका है, वो लड़की भी तुम ही थे और पिछली बार जो स्पाइडरमैन बन के आया था वो भी तुम ही थे। तुमने मेरी सारी गाड़ियां चुराई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारे टैंक तुम्हें भून देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये टैंक तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो मुझे एक ही बार ही मुड़ा देंगे। सारे के सारे टैंक तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 शूट। अरे ये कौन सा बटन दब गया? अरे ये गाड़ी तो उड़ने लग गई। अरे गाइज़र पता नहीं कौन से यहाँ पे मैंने बटन दबा दिया और ये गाड़ी उड़ने लग गई। गाइज़र इस गाड़ी के ऊपर एक ब्लास्ट भी हुआ, पर इस गाड़ी को तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पूरी पूरी बुलेट प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ है। और गाइज़र उस शोरूम से हम निकल चुके हैं ये खतरनाक सी गाड़ी लेके, ये तो मस्त उड़ती भी है। तो गाइज़र हम तो बच गए। पहले हमने सोचा कि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, पर उस ओनर ने बहुत ही चालाकी से मुझे पकड़ लिया। पर कोई बात नहीं, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, ये हमें उड़ा के वहां से निकल चुकी है। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी को लैंड कराते हैं। और गाइस हमें मिल चुकी है ये खतरनाक सी गाड़ी जो कि उड़ती भी है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके टायर देखो अभी तक टेढ़े। पहले मैंने सोचा ये गाड़ी खराब है इसलिए इसके टायर टेढ़े, पर नहीं, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा औसम है क्योंकि ये उड़ती भी है और बहुत ही ज्यादा तेज चलती भी है। तो गाइस ये गाड़ी तो हमने चुरा ली और उड़ने वाली गाड़ी कम से कम 50-60 मिलियन डॉलर की तो होगी होगी। और अब हम जाने वाले अपनी अगली गाड़ी चुराने। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, एक एक करके मेरी सारी गाड़ियां चोरी होती जा रही है। मुझे लगता है मेरी 100 मिलियन डॉलर वाली भी गाड़ी जल्दी चोरी हो जाएगी। मैं तो बर्बाद हो गया। तो गाइस इस शोरूम के ओनर ने सोचा अगर वो रोएगा तो मैं उसकी गाड़ियां नहीं चुराऊंगा, पर हम सोच उसने बिल्कुल गलत सोचा है क्योंकि गाड़ियां तो मैं फिर भी चुराने वाला हूँ। तो गाइस वो देखो वो ओनर बिल्कुल हार मान चुका है और मैं एक खतरनाक से अपनी व्हीकल लेके आ चुका हूँ उसकी सारी की सारी गाड़ियां चुराने के लिए। फटाफट इसको पीछे करते हैं। आ जाओ आने दो इसको, फटाफट से गाड़ी के ऊपर लगाते हैं। और गाइस इस वाली गाड़ी में लग चुका है। चलो फटाफट इस खतरनाक सी बेंटली को लेके चलते हैं यहां से। तो गाइस आप सोच रहे हो कि मैं गाड़ी को डायरेक्ट क्यों लेके गया, क्योंकि गाइस इसने सारी की सारी अपनी गाड़ियों के डोर लॉक कर दिए। वैसे तो मैं डोर तोड़ के अंदर जा सकता था, पर फिर यार मुझे चुराने के बाद इसको ठीक भी कराना पड़ता था। ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, गाड़ी को घसीटते ले जाओ अपने घर तक। फटाफट से इसको अपने घर पे रखते हैं और अगली गाड़ी चुराने चलते हैं। अब बहुत हो गया, मैं उस चोर को मेरी 100 मिलियन डॉलर वाली कार नहीं चुराने दे सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे कुत्तों की सेना बुलाई है। जैसे वो चोर आएगा मेरे सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, उसको खा जाएंगे, पर मेरी गाड़ियां नहीं चुराने देंगे। तैयार हो जाओ मेरे कुत्तों। अरे अरे स्वागत नहीं करो क्या, हमारा रॉकस्टार आ चुका है, हट जाओ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए और अपनी आवाज को भी चेंज कर लिया इस शोरूम वाले को पागल बनाने के। चलो फटाफट इसकी गाड़ी चुराते हैं। अरे अरे आ चुका हूँ मैं, बताओ तुम्हारे पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? तुम कौन हो? अरे अरे तुमको नहीं पता क्या, लॉस सैंटोस का यंगेस्ट बिलियनर, नाम है फ्रेंचाइस्को। क्या फ्रेंचाइस्को, ये कैसा नाम है? अरे अरे तुम क्यों करना है, तुम्हारा मेरा कैसा भी नाम हो, मुझे फटाफट से गाड़ी दिखाओ। और ये इतने बड़े शोरूम में इतने सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्या कुत्ते बेचते हो तुम वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, हमारे शोरूम में से गाड़ियाँ चोरी हो रही है, उसके लिए कुत्ते रखे। अरे अरे ये चोरी करना भी बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती है। आपका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा लगता है, क्या मैंने आपको अभी देखा है? अरे अरे न्यूज़पेपर में देखा होगा, चलो मेरा चेहरा मत देखो, मुझे गाड़ी दिखाओ। आइए सर आइए, ये देखिए हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा विंटेज कार है और सुपर फास्ट भी है, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। आप बोलोगे तो इस गाड़ी का कलर रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अरे अरे क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या जादू है क्या? हाँ सर इस गाड़ी में जादू है, आप बैठ के देखिए।
अरे अरे बैठते बैठते देखते कौन सा जादू इस गाड़ी में। ओ ये क्या, ये तो जादू वाली गाड़ी है, इसका कलर तो ग्रीन हो गया, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे ये क्या, अब तो ब्लू हो गया, मैं यही गाड़ी लूंगा, बताओ कितने की है ये। सर ये गाड़ी आपको मिलेगी ओनली $70 million प्लस टैक्सेस। अरे क्या 70 million, ये तो बहुत ही चीप है, मेरी गाड़ी में ब्रीफ केस पड़ा है, फटाफट जाके $70 million निकाल लो उसमें से। ओके सर अभी लेके आता हूँ। हाँ फटाफट से ले आओ। हाँ सर अभी लेके आता हूँ, एक सेकंड, ये कैसी आवाज थी? सर 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 वापिस बोलना। अरे अरे क्या बोलूं? ये नहीं जो पहले आवाज में बात करी थी। अरे अरे ये मेरी यही आवाज है, कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? अच्छा सर ठीक है ठीक है। अरे पूछ क्या, मुझे पता था कि तुम ही हो फ्रैंकलिन काले चोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कुत्तों अटैक करो इस पे। अरे भागो, इतने सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतने सारे कुत्ते, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे गाइस उसको तो पता चल गया कि मैं ही चोरी कर रहा हूं और इतने सारे मेरे पीछे कुत्ते पड़ा दिए। अरे यहां पे भी कुत्ते, पीछे भी कुत्ते, आगे भी कुत्ते, अबे तेरी तो ये ले। गाइस इसको फटाफट से मारते, एक काम करते गाड़ी में बैठ के यहां से निकलते, इसकी चाबी तो वैसे भी खुली हुई है, अबे निकल जाए ऐसे टकले। तो क्वाइजर उस ओनर को हमने उड़ा दिया और ये खतरनाक सी गाड़ी भी हमने चुरा ली, जिसका कलर हर सेकंड चेंज होता जा रहा है। अभी ये पिंक थी, अभी ये रेड हो चुकी है, और अभी ये ऑरेंज हो चुकी है, और अभी ये येलो हो चुकी है। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हर सेकंड इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा मस्ती विंटेज कार है जो कि हमने चुरा लिया उस खतरनाक से शोरूम में। अब सिर्फ आखिरी दो गाड़ी बची है, एक तो एस्टन मार्टिन और एक और हमारी खतरनाक सी $100 million की डाइम। इस बार तो वो गाड़ी लेके भाग गया, पर मैंने कुत्तों की सेना डबल कर दी है, अब वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। तो कैसे, वो शोरूम का ओनर बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं उसके इतने खतरनाक कुत्तों से नहीं लड़ सकता, पर मेरी बिल्लियाँ जरूर लड़ सकती है। तो कैसे अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ लेके आ चुका हूँ जो की उन कुत्तों से लड़ने वाली है, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम गाड़ियां चुराएंगे। आ जाओ मेरी बिल्लियों, अटैक। बहुत बढ़िया मेरी बिल्लियों, सारे कुत्तों को मारो। और भाई क्या हाल है? अरे तुम फिर से आ गए, कितनी चोरी करोगे, मेरे को पूरा लूट लिया तुमने, मुझे छोड़ दो। मैं जब तक नहीं रुकने वाला जब तक तेरी सारी गाड़ी चोरी हो जाती। और कैसर अब बारी इस खतरनाक सी एस्टन मार्टिन की। तो कैसर हमारी बिल्ली कुत्ते आपस में जब तक लड़ते हैं, हम इस खतरनाक सी एस्टन मार्टिन को लेके यहाँ से निकलते हैं। और भाई कितनी ज्यादा फास्ट है ये, रुको रुको अभी इसको चला के दिखाता हूँ, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। अरे ये देखो इसकी स्पीड तो देखो कितनी ज्यादा तेज है ये, अरे कहाँ जा रही है? तो कैसर अभी हम इस गाड़ी की स्पीड देखना, कितनी ज्यादा फास्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है। अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी हमको पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल प्लेन रोड है, सीधा सीधा रोड है, पर जैसे ही मुड़ा होएगा ये इतनी ज्यादा स्पीड में कि ये मुड़ती भी नहीं है। चलो गाइस अभी आपको इसको मुड़ा के दिखाता हूं, जैसे सामने आगे अभी इसको फटाफट से यू टर्न कराते। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे कहां जा रही है? अरे गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट गाड़ी है। तभी गाइस ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार उस शोरूम में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, देख सकते हो कितनी ज्यादा तेज चल रही है, और उसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस अब बारी उस खतरनाक सी $100 million की गाड़ी को चुराने का, जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मिल जाए तो आप कहां जाओगे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, और हम चलते हैं अभी $100 million वाली कार चुराते हैं। इस बार वो फ्रैंकलिन काला बच्चा मेरे शोरूम में नहीं घुस पाएगा, इतने सारे मिलिट्री वालों को मैंने बुलाया है, $100 million की गाड़ी में चोरी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तो गाइस उस शोरूम के ओनर को लगा अगर वो मिलिट्री वाले बुला लेगा तो मैं डर जाऊंगा, उसकी $100 million वाली गाड़ी नहीं चुराऊंगा, पर उसको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं भी अपनी आर्मी साथ लेके जा रहा हूँ उसके शोरूम पे धावा बोलने। और गाइस हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी सामने आएगा उसको भून देंगे, क्योंकि हमें $100 million वाली कार चाहिए। अटैक, सारे के सारे मिलिट्री वालों को मारेंगे, मारो, एक को भी मत छोड़ना मेरे साथियों, सबको मार दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस आप देख सकते हो मेरे साथी कितने खतरनाक है, सबने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, सबको खत्म कर दो, दर 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 दर, सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टकले बाल वालों को, कालो पीलो जो भी दिखे सबको मारो, किसी को मत छोड़ना, बस वो शोरूम वाले को छोड़ देना, उसको मैं मारूंगा। हाँ भाई क्या हो गया?
वाह, ये तो मर भी गया। बहुत बढ़िया मेरे सारे आर्मी वालों, तो काइजर हमने सभी को यहाँ पे लेटा दिया, मेरे सारे खतरनाक जाबाज खिलाड़ियों ने। और काइजर अब बारी 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी लेने का। ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये पूरी गोल्ड से बनी हुई है और ये टाइम ट्रेवल भी करती है। चलो इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो काइजर अभी हम इस गाड़ी के अंदर बैठ गए, चलो इसको पहले यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है, यहाँ पे देख सकते हो तो लिखा हुआ है मंथ डे ईयर आवर मिनट। यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कौन से मंथ पर, कौन से दिन पर, कौन से ईयर पर, कौन से घंटे पर, कौन से मिनट पर। तो फटाफट से इसमें डालते हैं टाइमर और देखते हैं हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो काइजर मैंने सोचा है फ्यूचर में जाने का, इसलिए मैंने डाल दिया है 2099। अभी 2023 चल रहा है, 2099 में क्या होगा मुझे अभी के भी देखना है। और इस गाड़ी में कुछ तो होने लग गया, देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये हम आ गए। और काइजर अभी हम आ चुके हैं 2099। ये 2099 तो कहीं से भी नहीं लग रहा। अबे ये कौन से साल में मैं आ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रुको, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। हेलो सर, ये कौन सा साल चल रहा है? ये कैसा सवाल है, हम साथ में बैठ के पानी पीते हैं। अरे मुझे आपके साथ पानी नहीं पीना, ये साल कौन सा है? ये साल है 1999। क्या 1999? अरे काइजर मुझे तो 2099 में जाना था, मैं गलती से 1999 में आ गया। थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस बार हम पक्का जाएंगे 2099 में। एक काम करते हैं 3099 में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से इसको सेट करते हैं 3099 के लिए। और ये सेट हो गया और हम चले। तो काइजर अभी आप देख सकते हो तो अभी हम आ चुके हैं। और एक सेकंड, ये भी मुझे कहीं से भी 3099 तो नहीं लग रहा। अरे मैं फिर से कहीं गलत जगह आ गया। और यहाँ पर तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, माउंटेन ही माउंटेन है। अरे यहाँ पर तो कोई इंसान भी रहता, अब मैं क्या करूंगा, किससे पूछूंगा। चलो रुक जाओ, यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और वापस अपने 2023 में जाते हैं। 3, 2, 1, ये क्या हो गया? अरे ये क्या चले गए हम? अरे काइजर ये क्या हो गया हमारे साथ? हम तो पानी में आके गिर गए। अरे गाड़ी पानी में नहीं चलती क्या? अरे चलो पानी में तो चलती है कम से कम, पर एक सेकंड हम आ के गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो काइजर अभी हम इस 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी को पानी के ऊपर चला रहे। और काइजर अब ये टाइम ट्रेवल कर ही नहीं रही, लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई, ये गाड़ी टाइम ट्रेवल नहीं कर रही। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? हमेशा इस पानी के अंदर रहना पड़ेगा क्या? मुझे इस पानी के अंदर नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो यार, मैं क्या करूंगा। तो काइजर मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि मैं यहाँ पे बैटरी बना सकूं। तो काइजर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और काइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन और फॉलो कर लेना। और काइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।